क्लास फोर SST चैप्टर 9 आवर सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज, हमारे मिट्टी और पानी के स्रोत। फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी का संरचना। सॉयल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसने चट्टानों के कण, खनिज और ऑर्गेनिक मैटर्स का मिश्रण है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल इज ए लॉन्ग प्रोसेस, तो मिट्टी की संरचना होने में बहुत लंबा समय लगा है, प्रक्रिया के बाद वो बना है। सॉयल फॉर्मेशन रिक्वायर्स वेदरिंग, यह मौसम से भी या इसकी संरचना हुई है। वेदरिंग रेफर टू द प्रोसेस इन विच रॉक्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेज इन ए पार्टिकुलर प्लेस। वेदरिंग जो चेंज होते रहता, मौसम जो चेंज होता, कभी तेज आंधी आती है, कभी भूकंप आता, ये सबसे भी चट्टाने टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होते हैं। कोई खास क्षेत्र में ये सब जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर इस तरह से वह मिट्टी तैयार होते हैं। वेयर देयर इज लेस वेदरिंग सॉयल आर थिनर, जहाँ पे कम ये वेदरिंग होते हैं, लेस होते हैं, वहाँ पे मिट्टी बहुत ही कम मिलता है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉयल, मिट्टी को बनने में, मिट्टी का एक पतला परत तैयार होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। सॉयल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग अप द ऑफ रॉक into smaller pieces due to the action of sun, rain and wind. Soil की संरचना चट्टानों को टूटने से, वो जो छोटे छोटे पीस में जो बदलते हैं, और जो सूरज, वर्षा और हवा से ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होते हैं। The smaller pieces of rock get further broken down into the sand and silt. इस जो छोटे छोटे चट्टानों के जो पीस हैं, वो आगे चल के वह टूट टूट करके बालू और रेत में परिवर्तित हो जाते हैं। दीज आर देन कैरीड बाय विंड एंड वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हवा, पानी, ये सब अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ढोके ले जाते हैं। फाइनली दिस फॉर्म्स द रिच फर्टाइल सरफेस इन विच प्लांट्स कैन ग्रो एंड गेट न्यूट्रिशन, अंत में यह जो मिट्टी की संरचना हुई, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जो मिट्टी उड़ के जाते हैं, उसे उपजाऊपन होता है और उसमें पौधा उग सकते हैं, उगते हैं, और उससे न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक तत्व भी प्राप्त होते हैं। सॉयल फाउंड इन इंडिया, भारत में मिट्टी कहाँ से प्राप्त होता, कहाँ कहाँ है। सॉयल इज एन एग्रीकल्चरल नेशन, सॉरी, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल नेशन, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। मोर देन 70% ऑफ आवर पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, लगभग 70% हमारे देश के लोग खेती के कार्यों में लगे हुए हैं। ड्यू टू द लार्ज वैरायटी ऑफ सॉयल फाउंड इन इंडिया, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स कैन बी ग्रो, इसे सब भारत में सभी प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। इंडिया देयर आर बेसिकली 5 टाइप ऑफ सॉयल, तो भारत में कृषि के आधार पर 5 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, लेटराइट सॉयल एंड डिजर्ट और सैंडी सॉयल, ये 5 प्रकार के मिट्टी हैं। एलुवियल सॉयल, एलुवियल सॉयल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉयल फाउंड इन इंडिया, एलुवियल सॉयल सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भारत में है। इट इज मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन, जो उत्तरी मैदानी भागों में पाए जाते हैं, द कोस्टल प्लेन्स एंड द डेल्टा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, ये उत्तरी मैदानी, भारत के उत्तरी मैदानी भागों में, समुद्र तटीय मैदानी भाग में और वेस्ट बंगाल के नदी मुहाने प्रदेश में पाए जाते हैं। द सॉयल इन दिस रीजन इज फॉर्म्ड बाय द सैंड एंड सिल्ट कैरीड बाय हिमालयन रिवर एंड द रिवर ऑफ द डक्कन रीजन, ये मिट्टी जो है वह
जो प्रदेश में बनते हैं, तो बालू और रेत जो हिमालय के नदियों से बह कर के आती है और दक्षिण प्रदेशों में के नदियों में पहुंचती है। इट इज हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, स्पेशली फॉर क्रॉप्स सच एज पैडी, व्हीट एंड शुगर केन। इसमें धान, गेहूं और गन्ने की खेती होती है। इन द डेल्टा रीजन इट इज आइडियल फॉर जूट कल्टिवेशन। नदी मुहाने के क्षेत्रों में या यहाँ पे विशेष करके जूट की खेती होती है। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में स्टेटबिट को याद करना है।